आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। आज के दिन देश के सभी डॉक्टर्स को याद किया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। आज 1 जुलाई है और आज के दिन देश में डॉक्टर्स डे यानी चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इसे डॉक्टरों को शुक्रिया करने का दिन भी कहा जाता है और इस खास मौके पर प्राइम टीवी की ओर से देखिए खास रिपोर्ट। डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा जाता है, या फिर यूं कहें तो हर शख्स की जिंदगी में डॉक्टर का कितना बड़ा योगदान है ये बताने की जरूरत नहीं। कोरोना काल में तो डॉक्टर ने कहीं ज्यादा योगदान दिया है। डॉक्टरों ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान जी जान से देश के लिए सेवा की और देश को इस संकट से एक बार नहीं बल्कि दो दो बार बचाया है। आज ही के दिन राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर बिधान चंद्र राय की पुण्यतिथि भी है। वहीं जब एक डॉक्टर चिकित्सकीय जीवन की शुरुआत करता है तो उसके दिल में जरूरतमंदों की मदद करने का जज्बा होता है। डॉक्टर को मरीज को नई जिंदगी देकर ऐसा लगता है मानो खुद को नया जीवन मिल गया है। नेशनल डॉक्टर्स डे को देश के सभी डॉक्टरों के सम्मान में मनाया जाता है। उनके काम के धन्यवाद के लिए, उनको सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। सम्मान और भरोसे से गुथा हुआ ये रिश्ता होता है डॉक्टर और मरीज का। अगर हम बात करें डॉक्टरों के काम की तो बच्चे के जन्म से लेकर लाइफस्टाइल तक डॉक्टर का अहम रोल होता है। जब कभी भी मुसीबत आती है तो हम डॉक्टर पर ही भरोसा करके उस बुरे वक्त से बाहर निकलते हैं। वही मरीज के विश्वास के बल पर ही डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ता है और अपने काम में सफल होते हैं। कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर के डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना पीड़ितों का इलाज किया। कोरोना संक्रमण के दौरान जब स्थिति गंभीर हुई तो अस्पतालों का मंजर बेहद डरावना हो गया था, लेकिन महामारी के दौरान वे मरीजों की सेवा में ऐसे लगे कि लगातार कई दिनों तक बिना घर गए अस्पताल में लोगों का इलाज करते रहे। आज डॉक्टर्स डे है और आज के दिन डॉक्टरों का धन्यवाद किया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है और प्राइम टीवी भी उन्हें धन्यवाद देता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।